ये वैरायटी डेंड्रोकैलिमस मोंजिस्पेथस एक्चुअल भारत सरकार ने जब शुरुआत किया था बांबू मिशन का तो कुछ दो तीन वैरायटी ऐसे किया था, पटंगा, बालकुआ, टुंडा, तीन वैरायटी। हमने खुद ने भी समझा कि आगे बैम्बू में बढ़ना है तो कुछ 19-20 वैरायटी ऐसी जो समझ में है। टोटल तो 1500 प्रजाति में बांस थी पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ हम वैरायटी को देखना चालू करेंगे ऐसा लगेगा इससे अच्छी वो है, उससे अच्छी वो है, उससे अच्छी वो है, तो हैंग होने का प्रोग्राम है। समझ में आएगा नहीं कि बांबू लगाना कौन। ये लॉन्जिस्पेथस है, इसका भी नोट इंटरनोट बड़ा आता है जैसे टुलडा के जैसे। ये साइज इसका बड़ा है, ये साइज बड़ा आएगा, अंदर से होलो रहेगा थोड़ा सा। हाँ, ये इसको हो गए 3.5 साल, अभी बारिश आएगी तो 6 साल आएगा। ये शुरुआती चरण के हैं, ये जो सूख रहे हैं ना ये शुरुआती चरण के, इनको निकालना चाहिए अभी, पहले साल के हैं ये। ये निकलेंगे तो भिर्रा फिर 17 हो जाएगा, 3 साल बाद इसको निकालना चालू करना चाहिए। ये जैसे वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ये पुराने ये सब निकलना चाहिए। ये वैरायटी है टुलडा जो अगरबत्ती में काम में आता है। नोट लंबी है और इसका साइज अभी और बढ़ने वाला है। अगरबत्ती में मोस्टली यही काम में आएगी। ये सारे जो पीछे दिख रहे हैं ये टुलडा के हैं। हाइट जाएगी अभी, इसको समय लगता है, ये अभी पतला पतला दिख रहा है। ये 7 साल में ओरिजिनल शेप में आएगा, मेरे कंधे के जैसा हो जाएगा, ये साइज लेगा ये, लेकिन समय लगता है, लेट वारंटी है। मतलब इनिशियल हार्वेस्टिंग इसका 7वें साल। हाँ, 7वें साल। ये येलो अंगूर, ये इस बार के सूट है, ये अभी के हैं, ये अभी 1 महीने पहले के हैं, अभी पत्ता निकल ही रहा है, बाहर ही पहुंच रहा है। मैक्सिमम इसको 60 दिन से 90 दिन हुए हैं, 90 दिन के पहले का ही है। ये पुराना है, ये अभी नया है। ये फर्नीचर में और डिजाइनिंग बनाने में ये बहुत काम में आता है। ये जैसे ये सीट अभी निकल ही रहा है, ये वाला अभी जा ही रहा है, एकदम शुरुआत है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसा सूट हाई खेल तो मोटा ही ज़्यादा लेता है और अच्छा आता है। ये ऊपर से नरम है एकदम, ये मिल रहा है ना जो ये लगाया था वो उसके बाद ये आया, फिर ये आया। हाँ, ये अभी निकल रहा है, ताजा है। तो फिर उनके 2 साल वाले तो कुछ काम में नहीं आएंगे ना, बस वो निकल के सफाई करना पड़ेगा। ये बायोमास में काम में आएंगे ये। अच्छा। ये सारे इनकी उम्र हो गई, आप नहीं निकालोगे तो खुद से सूखेंगे और काटोगे नहीं तो दीमक लगकर इसको खत्म करेगा। तो उससे अच्छा है कि निकाल। हाँ, निकालना ही चाहिए 3 साल बाद। ये ग्रीन वल्गरिस, वो येलो वल्गरिस है, ये ग्रीन वल्गरिस है, ये भी फर्नीचर में काफी काम में आता है। ये हमेशा हरा रहेगा, ये बांबू काटने के बाद सूखता है तो पीला पड़ता है, ये हरा रहेगा, इसका नाम ही इसलिए ग्रीन वल्गरिस है। ये ऑटोमेटिक गिरता है, यही इसका भोजन है, ये जाइजेंटियस वैरायटी है। ये मेरे कमर के जैसे हो जाएगा 10 साल में। इसको बाल्टी बांस भी बोलते हैं, पूरा बाल्टी के जैसे बढ़ता है, इस तरीके से होगा ये, आगे बड़ा होगा ना ऐसा हो जाएगा। ये फर्नीचर के लिए,
यूज करते हैं। बायोमास इसमें मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन उम्र वही बात है कि समय देना पड़ेगा इसको। इसको बोलते हैं जाइजेंटियस, ये वैरायटी को। अभी इसको 3.5 साल हुए हैं, अभी बाल्टी बनने में इसको और 5 से 6 साल चाहिए। नीचे नीचे स्ट्रक्चर डेवलप होगा, बढ़ेगा, समय लेगा, साइज लेगा। अब हमारे किसानों की ज़रूरत है कि हम कितनी जल्दी हार्वेस्टिंग में। ये ठीक है कि हमने मेड़ों पर कुछ 20 पौधे लगा दिए, वो आएंगे हमारे बच्चों के लिए अच्छे काम में आएंगे वो, लेकिन अभी तत्काल हमें क्या चाहिए, तो वो अर्ली चलने वाला पौधा चाहिए। आँखों में लगे इसके आगे से है बालकुआ, ये ग्रीन वेलगरीज है, इसके बाद में ये बालकुआ यहाँ से चालू होता है। ये पूरा हाथ लगा के देखोगे एकदम ठोस स्टील के जैसे लगेगा, ये ठोस है पूरा ठोस, तो फील भी आता है उसको जब पकड़ते हैं तो। हाँ, इसके पुराने अभी सब कटिंग पे है, ये कटिंग पे है, ये कटिंग पे है, ये सारे कटने वाले हैं। ये वाला है ये रुकने वाला, ये अगले साल कटेगा, ये अगले साल कटेगा। जो हमने ये लगवाया और 4th साल पे ये कटा, तो उसका वजन तो कम ही रहेगा ना पहली बार, पहली कटिंग पूरे खेत में पौधे भी तो ज़्यादा रहेंगे। 20 से 25 टन नॉर्मल रहा, और अच्छा किया तो 30 से 35 टन तीसरे साल के बाद, तो कम से कम 20 टन तो 20 टन ऐसा निकल ही जाते हैं आराम से। तो बलराम भाई इसको काट कर ऐसे कर रहे हैं, नीचे थी नीचे से बटन, ये तो इसकी ब्रांचेज है, मेन बाम्बू नहीं है ना। ये मेन मेन तो ये मेन, ये इसका क्या है, पूरा बायोमास मिलेगा अगरबत्ती में। अगर ऐसा है ये अगरबत्ती में तो होलो को चिकिंग करेंगे, जो मेन पाइप है उसको चिक करेंगे। ये नहीं आएगा, ये बायोमास में काम आएगा, सी एन जी में पूरा काम आएगा। अगर नहीं है सब लोग इसको, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये साइज इसका है 15x15, प्लांट से प्लांट भी 15 है और लाइन से लाइन भी 15 है, दोनों तरफ 15x15। अभी रोहित जहाँ खड़ा है यहाँ पर अगर एक पौधा होता या दो पौधे होते हैं तो वो भी बाहर निकल चुके होते और वो भी भिर्रा बन चुका होता। तो शुरुआती चरण में ये जो खाली जगह है ये 20 साल भरने वाली नहीं है, 15x15 की एटलीस्ट 15 साल भरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हम दो प्लांट अगर लगा रहे हैं 6 6 6 तो ज़्यादा अच्छा है। और ये हमने माल निकालने के लिए बाहर से तोड़ा रखा, तो अभी ये 3.5 साल का है, मतलब इस साल से तो इसकी कटिंग ही है। अभी जितना हर साल निकालेगा 5 पोल तो उतना 5 पोल कटना भी है। अब ये साइज तो इसका फिक्स हो गया, अब हम 3.5 साल की उम्र वाले फील्ड में हैं, तो ये जो साइज है ये 15 फीट का, ये 12 पर किया जा सकता है। हम नए जो कर रहे हैं वो 12x6 पर लगा रहे हैं, इसलिए 12x6 पर जाना चाहिए कि यहाँ आज पौधा लगाया तो वो बड़ा होकर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक साथ प्लांटेशन किया हमने 6 6 फीट पर तो सभी के भिर्रे बाहर निकलेंगे, तो उनमें पोल की संख्या ज़्यादा मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मिट्टी अच्छी है और 10 साल में ये पैक हो गया तो आप JCB से एक भिर्रा निकाल सकते हैं, नया फिट नहीं कर सकते, क्योंकि फिट करोगे तो कैनोपी आ चुकी है, अभी धूप आएगी नहीं तो पौधा चलेगा नहीं। और शुरुआत के 3 साल बाद इसकी कटिंग चालू होती है और अगले 10 साल तक आपकी 7 कटिंगों में ज़्यादा पौधे मायने रखते हैं। अभी ये खाली जगह है, यहाँ पौधा नहीं है, तो आपके पास बायोमास आने वाला नहीं है। आउटी प्रॉब्लम है, वो जो नया निकलेगा उसको नहीं तकलीफ होगी कि भाई उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो अपने मदर पेरेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मोटा और बड़ा है वो नया है, जो छोटा और पतला है वो पुराना है। तो मदर रूट से जो जुड़ा हुआ है वो बड़ा सूट देता है, और नया ABCD लगाएंगे उसकी मदर रूट का राइजोम उतना है नहीं, तो वो धीमे 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 चलेगा, छोटे रूप में चलेगा। धूप मिलेगी नहीं, धूप मिलेगी नहीं। ये जैसे सूट निकलता है, आपने वहाँ भी जो येलो वल्गरीज का सूट देखा वो बाहर धूप में जाकर के पहली पत्ती खोलेगा। अभी ऐसे सूट लॉन्ग जैसे चलते जाएगा 60 दिन में बाहर निकलेगा लाइट में, और फिर वहाँ रुकेगा और पहली पत्ती खोलेगा, फिर उसकी ब्रांचेस खुलेगी। कोई सा भी बैम्बू है वो धूप लेने के बाद ही रुकता है, वरना बढ़ता है।
इनमें संघर्ष रहता है। अभी ये जितना खुला खुला है उतना आराम से चलेगा, ऐसा चौड़ा होगा। ये आपने पुराना देखा होगा तो ये टेढ़ा भी है क्योंकि जगह मिली थी बाहर निकलने। जितना घना होगा उतना कंपटीशन में हाइट पे जाएगा और सीधा निकलेगा बाहर, कोई एरर नहीं आएगा टेढ़ेपन का, सीधा बाहर जाएगा। इनके भी लोड लंबी आएगी। हाँ लंबी आएगी। हाँ मैगी इसका पत्तल दोनों डिस्पोजल बनता है। ये इसके ऊपर का कवर है, ये जो खाल निकल रही है ना, यहाँ पर जो टिका हुआ रहता है, भैया ने हाथ लगाया है यहाँ पर, ये बैम्बू की छाल निकलती है, इससे पत्तल दोना बनते हैं। ये प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है। और जितने का आपका बायोमास निकलता है उससे ज़्यादा इनकम ये देगा अगर आपने इसके लिए कोई यूनिट लगा लिया छोटा सा। एक 50,000 का प्रेसिंग का मशीन आता है, मात्र 50,000। मोटा मोटा अगर मैं बतलाऊँ, एक एकड़ में हमने 600 प्लांट लगाए 12x6 पर, तो हर साल बारिश पर आश्रित चलाएंगे तो भी 5 सूट नए आएंगे। 12x6 पर आपने लगाए तो 5 सूट नए आते हैं एक भिर्रे से, और 600 भिर्रे आपके खेत में है तो 600 × 5 एक 3,000 पोल आपको हर साल मिलते हैं एक एकड़ से, बारिश पर आश्रित जाते हैं। तो अभी एक जो सूट है उसमें अगर आप पेरी गिनोगे तो आपको समझ में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगभग। अभी ये 3 साल का है तो 25 तो इसमें है पेर, मतलब 25 चीप मिलेगी आपको, ये हर जॉइंट में से आता है। अभी एक पौधे से 25 है और एक भिर्रे में 5 है, 125 × 5, 125 × 600, 7,500 आपको एक एकड़ में से पत्तल दोना बनाने के लिए पीस मिलने वाले हैं एक एकड़। अभी इसका आप छोटी सी चमची बनाओगे मोटे का, या छोटा कटोरी बनाएंगे, या ग्लास बनाएंगे, या छोटी प्लेट बनाएंगे, तो 2 प्लेट बनती छोटी प्लेट पोहे की, छोटे ग्लास बनाएंगे तो 3 ग्लास बनेंगे, एटलीस्ट 2 मिनिमम। मतलब एक पत्ते से कम से कम आप 1 रुपये का काम करोगे, मतलब मेंटेनेंस खर्चा आपका एक एकड़ का निकाल दिया 10,000 रुपये का पत्तल दोनों का। अभी आप कहीं भी एग्रीकल्चर में जाएंगे देखेंगे तो जो बैरल लैंड पड़ी उसको कोई लेने वाला नहीं है, मेहनताने पर साझे पे लेने वाला नहीं है, जिसमें पानी है उसको लेने वाले हैं, तो इसका 10 से 15,000 का रेंट है, मात्र पत्तल दोना आपका रेंट निकाल रहा है। अभी बाम्बू बेचा नहीं हमने, और इसको क्रश करके अगर वैल्यू एडिशन करेंगे तो अलग। उसके बाद में हम जहाँ खड़े हैं ये जो बायोमास है, नीचे देखोगे तो एकदम पत्थर है मिट्टी। अभी ये नमी देखिए कितनी, जितना बारिश होगा उतना पानी पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, बैम्बू जहाँ लगता है वहाँ का वाटर लेवल बढ़ाता है। इस खेत में जितना बारिश होगा पूरा अंदर जाएगा क्योंकि होल और पोल हो चुके हैं ना, इसको खाने के लिए केचुए आ चुके हैं। अभी आपने इन दोनों एक पौधे के भी आसपास ड्रिप लगानी है, सारा समेट कर यहाँ पर करना है, उसके ऊपर ड्रिप, और वहाँ केचुए छोड़ना है, अमेरिकन केचुए। देसी केचुए मिट्टी खाते हैं, ये गलेगा फिर खाएंगे, और अमेरिकन केचुए पत्तों को खाते हैं, तो ये आपका वर्मी कंपोस्ट का बेड बन गया। सारे पत्ते समेट कर यहाँ पर कर दिए, उसके ऊपर ड्रिप डाल दी, तो आपका जो आग लगने वाला जो जलने वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है, और ये जितना बायोमास है इसका बायो फर्टिलाइज़र बनता है, और वो 6 रुपये किलो बिकता है कम से कम खेत पे से। वर्मी कंपोस्ट 6 रुपीज़ पर kg ऑन योर फील्ड। ये तो मुफ्त में ही बनता है, मुफ्त में बनेगा। इसका जो रसा जाएगा वो पौधे का भोजन है, और जो छान करके आप बैग भर करके बेचोगे वो आपका भोजन है। तो पत्तल दोना आपका जो पत्तियां निकली उससे, जो छाल बाहर की ये पत्तियां निकली इससे आपका वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर। कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, ये नेचुरल छांव है, केवल केचुए छोड़ना है लाकर और समेट करके ड्रिप करना है।
उसके बाद में इसका आपका बायोमास कितना बन रहा है क्या हो रहा है वो बाम्बू अलग है एक्स्ट्रा है दोनों से। यहाँ पर आपको एकदम थोड़ा समझना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान लगाना है कि हम जब से इंटर हुए हैं आपकी ब्रीदिंग जो है उसमें क्या चेंजेस है। सबसे ज़्यादा बैम्बू 35% ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, ब्रीदिंग जो है वो शांत होती है, स्लो होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अच्छा है तो हम फास्ट ब्रीदिंग नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लंग्स को ज़्यादा पंपिंग करने की ज़रूरत नहीं। और उम्र काउंट होती है कितनी ब्रीदिंग हुई उससे, पुराने लोग क्या कहते थे इसकी सांसें खत्म हो गई, मर गया ऐसा नहीं बोलते थे, सांसें खत्म हो गई। तो हमारी सांसों का काउंटिंग है कि कितने करोड़ हमारे को ब्रीदिंग करना है, वो जल्दी जल्दी से कर लो हाफ के या आराम से करो समय बिताई। तो ऑक्सीजन पार्क ओनली बैम्बू के प्लाट में ही ऑक्सीजन आपको लेवल मिलता है ज्यादा से ज्यादा। ये वेराइटी है कटंगा और ये वैरायटी बालकुआ, दोनों एक साथ एक दिन का लगा हुआ है। ये वैरायटी में ऐसा फर्क दिखता है कि कौन सी वैरायटी कैसे चलेगी। ये आराम से खुला खुला है, इसको काट कर छील कर आराम से निकाल सकते हैं। कटंगा में शुरुआत के 2 से 3 साल कटिंग करके बाहर निकालने में एफर्ट लगता है क्योंकि ये ऐसे गुथ जाता है। ये बांस भी अच्छा है, इसमें भी पल्प ज़्यादा आता है, इसमें भी बायोमास ज़्यादा आता है, ये और ये सेम हाइट हेल्थ पे जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेट है। ये 7 साल में इसकी मोटाई पे आएगा और ये 3 साल में उतनी मोटाई पे आता है। अगर इंडिया में सर्वाइव करने वाले बांसों की बात करें तो कटंगा और बालकुआ दोनों लगभग सिमिलर है, एक में काटे हैं एक बिना काटों का, लंबा चलने में दोनों सक्षम है, दोनों अच्छे हैं। ये इनकी प्रूनिंग करनी है या ऐसे ही छोड़ना? इनको सफाई करना पड़ेगी, ये देखो यहाँ। हाँ, इनको सफाई जो कटंगा है इसको करना पड़ेगा, बालकुआ की आवश्यकता नहीं है। और एक बार जब ये 3 साल बाद कटना चालू होते हैं तो फिर अपने आप सफाई होती रहेगी। शुरुआत में जब छोटे पौधे थे तब इन्होंने ब्रांचेस निकाल दी, अभी जैसे कटंगा का नया आएगा ना उसकी ब्रांच नहीं आएगी क्योंकि छांव होने लग गई है। ये पुरानी ब्रांचें हैं, ये दुख देगी, पहली बार इसको निकालना है तो ट्रैक्टर से खींचना पड़ेगा, अटक गया एकदम। इसमें ये वाली जो है इसमें भी जरूरत नहीं है ना, बालकों में जरूरत नहीं, ये कटंगा ऐसा पैक हो जाता है। ये इस तरह से यहाँ से आगे लाठी बांध, ये इस तरह से लाठी बांध, ये तो पूरा ही पैक होगा। ये जो आप पूछ रहे थे ना लाठी बांस का, हाँ ये वो है, इस तरह ठोस आएगा और पूरा पैक हो जाता है। इसकी हाइट कम रहती है। हाँ, स्टिक्टस वो कटंगा है आप खड़े हो, ये आगे वाला स्टिक्टस है, वो स्टिक्टस की अलग अलग वेराइटीज है। इसमें जो बेट बोलते हैं वो है क्या? क्या बेट? बेट लाठी जो बोलते हैं बेट की लाठी जो पुलिस वालों के पास होती है, ये स्टिक्टस की है। तीन वेराइटी है, एक ये है, दो आगे वाले हैं। नहीं, ये अभी थोड़ा और समय लेगा तो आपको फिर वो वैसे ही दिखेगा। ये ब्रांडिशाई है, डेंड्रोकेलिमस ब्रांडिशाई। ये 8 साल में आपको पूरा ऐसा लगेगा कि अब देखने लायक हुआ है। ये 70 से 100 फीट जाएगा सामने, हाइट हाइट 100 फीट है। और पानी इसको अच्छा चाहिए, पानी गया तो ये इसके पत्ते खुद सुखाने लग जाएगा, ये हाइट से कॉर्नर का पानी ज़्यादा लगेगा।
एस्पर वेराइटी है, डेंड्रोकैलिमस एस्पर, जो ब्रांडिसाइड देखा हमने वो, और ये लगभग सिमिलर चलता है, ये थोड़ा तेज चलेगा उससे, और उससे दिखने में सुंदर ये है, लगभग एक जैसे हैं दोनों, दोनों को पानी ज़्यादा चाहिए। ये 120 से 150 फीट तक जा सकता है, क्लाइमेट और पानी और मिट्टी इसके खतर में 100 फीट निश्चित जाता है। ऊपर इसके ये जैसे रोए रोए हैं, बहुत खूबसूरत दिखेगा ये जब साइज लेगा ना, ऐसा पूरा बनेगा, एकदम पूरा हेल्दी बनेगा, अंदर होलो रहेगा, पूरा अंदर खाली रहेगा। सात साल आपके पास रखा था जो बड़ा वही है एस्पर, इसका नाम फिर ये 100 फीट एस्पर, कितने साल में हो जाएगा 100 फीट तक? 7 साल के बाद ये हर साल इसका शूट बढ़ना अब चालू हो रहा है, 3 साल में तो बस ये दिखना चालू होता है कि अब हम दिखेंगे, स्लो है। ये ब्लैक बाम्बू है, जितना लेट होता है उतना काला होता है, ये फर्नीचर में अच्छा काम में आता है, डिजाइन वगैरह बनाने में ब्लैक बाम्बू बोलते हैं इसको, काला बांस, ब्लैक बाम्बू। ये बांसुरी वाला है, बांसुरी बांस बोलते हैं इसको, पूरा अंदर से होलो है, एक जैसा सिमिलर रहेगा, बांसुरी इसी से बनाई जाती है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये बुद्धा बाम्बू है, इसका नोट इंटरनोट एकदम पास पास में है, हिंदी में इसको वमन बांस बोलते हैं, वामन देवता जो थे बोने उनके नाम पर वमन। ये डिजाइन और डेकोरेशन के लिए है, इसकी गुठली एकदम छोटी छोटी सी है, टेरी पास पास में। ये कौन सी जगह है? ये ब्लैक बाम्बू है, बोटनिकल नेम लिखा है, वो थोड़ा ऐसा है कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, अंग्रेजी किसको आती है, एक आध जन कोई पढ़ो, ये नीचे लिखा हुआ है बोटनिकल नेम इसका, हाँ लंबा है थोड़ा पढ़ने, ये हाइट मैक्सिमम ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बोना रहता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 30 फीट बहुत हो गया, हाँ वो बोना है, वो बुद्धा बांस बोलते हैं उसको, चाइना में उसकी बहुत पूजा करते हैं उसकी, डेकोरेशन के ही लिए है। ये वाला चाइनीज पेंटिंग है, ये सरिये के जैसा रहता है, अंदर पिन होल है इससे, बहुत कम ठोस एकदम, अंदर अंदर घुस जाता है। इसको मेड़ों पर वहाँ पर लगा कर इसकी डिजाइन डाल देते हैं, काट देते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे ही बाहर निकले ऐसा सही है, गलत हो गया, अंदर जाना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, ये केवल बाम्बू ही संभव कर सकता है ये सब चीज़ों को, बाकी तो एक जो बाम्बू आते हैं देखो पूरा ऐसा फोल्ड हो जाता है, जिससे तीर कमान वगैरह जो बड़े पूरा बाम्बू जो है वो आता है, ये भी दो तीन वैरायटी है जिनमें से वो है ना, इस तरह से।
जा रहे हैं।